लेके आना। It is a technique used for bringing change in the entire aspect of the organization rather than focusing on attention on individual। किसी particular एक individual पे focus करके बिना पूरी organization के aspect पे focus करना और उसमें changes लाना कहता है organization development। इसके nature क्या होते हैं? It focuses on culture and process। ये culture को develop करने में और process को change करने में focus करता है। Human and social side, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हम ह्यूमन का डेवलपमेंट करते हैं जिसके थ्रू हमारा सोसाइटी डेवलपमेंट भी होता है, इसलिए इसको कहते हैं ह्यूमन एंड सोशल साइट्स। पार्टिसिपेशन, इसमें हर किसी की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। सिस्टम चेंज, हम एक प्रॉपर सिस्टम को चेंज करते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करते हैं। टू क्रिएट जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। टू इंक्रीज मोटिवेशनल लेवल, मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इसलिए काम करेगा ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज और स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ प्लान चेंज, हम कोई भी अगर चेंज ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो प्लान चेंज होता है। लॉन्ग टर्म चेंज, कोई भी चेंज हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, हम प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए उसको सोच के चेंज करते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ये पूरा का पूरा ह्यूमन से रिलेटेड है, इसमें ह्यूमन की वैल्यूज़ पे भी फोकस किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी अगर हम चेंज लेके आ रहे हैं तो उसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्पफुल होता है। अब आता है मैनेजिंग ओडी प्रोसेस। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस क्या कहता है? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कोई भी अगर हम चेंज लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सिचुएशन असेसमेंट, जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको असेस करते हैं, लिखते हैं उसको अपने पास, उसको एक समरी बनाते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास वो प्रॉब्लम हो जाती है, इन हैंड हमारे पास वो प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद हम एक्शन प्लान करते हैं, मतलब उसको एक्शन में लेके आते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, हम उसको लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट, जो हमने एक्शन प्लान में अपना प्लान डिज़ाइन किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम गैदर डाटा, डाटा को गैदर करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि जो हमारा चेंज है वो एक्चुअली में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग में हम ये देखते हैं कि वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, और गैदर में हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। एनालाइज होने के बाद हम उसका फीडबैक लेते हैं कि जो हमने चेंज लेके आए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या वो एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। अगर वो है तो फीडबैक तक ख़त्म हो जाता है, अगर नहीं तो फीडबैक के बाद सिचुएशन असेसमेंट से वो चीज़ दोबारा शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैल्यू एंड अजम्पशन ऑफ ओडी। वैल्यू एंड अजम्पशन ऑफ ओडी क्या कहता है कि ओडी में वैल्यूज़ और अजम्पशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। वैल्यू क्या होते हैं? सबसे पहले वैल्यू आर नोन एज कोर वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द बिलीफ ऑफ मैनेजमेंट एंड कल्चर इट एक्सपेक्ट इज एम्प्लॉय टू प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू वो है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय ऐसा ट्रीट करे या फिर ऐसे बिहेव करे, उसकी वैल्यूज़ इस तरह की हों। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, कुछ टाइप्स की वैल्यूज़ होती है जैसे ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू में क्या आता है, हम एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की वैल्यूज़ देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनका लेवल ऑफ थिंकिंग कैसी है या फिर इनकी वे ऑफ बिहेवियर क्या है। ऑप्टिमिस्टिक में हम ये देखते हैं एक्सपेक्टेड गुड टू ऑर्गेनाइजेशन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसी है और कैसी होनी चाहिए, हम कैसी एक्सपेक्ट करके चलते हैं। डेमोक्रेटिक में हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं हम उनको एक तरह से बिहेव करते हैं उनके साथ। उसके बाद आता है अजम्पशन, अजम्पशन इन ओडी। अजम्पशन इन ओडी क्या कहता है? द ओडी हैज़ अ नंबर ऑफ अजम्पशन which can be examined so as to determine how the OD performance can be utilized to fullest potential। assumption से हमें ये help मिलती है कि हम अपनी जो changes लेके आ रहे हैं, जो determine कर रहे हैं, उससे हम कितना ज़्यादा utilize कर सकते हैं पूरे potential तक, ताकि हमें वो proper benefit मिले। ये दो लेवल्स पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे। कोई भी assumption हम करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या सोच के चलते हैं कि people want to grow and develop, लोग एम्प्लॉय ये सोचेंगे कि हमारी ग्रोथ हो और हमारा डेवलपमेंट हो, और पीपल आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ग्रेटर कंट्रीब्यूशन, और लोग ये सोचेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। ग्रुप लेवल पे हम क्या सोचेंगे, हम नहीं सॉरी एम्प्लॉय, ग्रुप लेवल पे क्या सोचेंगे, रिलेशन ऑफ सुपीरियर सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय, जो सुपरवाइजर और एम्प्लॉय का रिलेशन है वो मेंटेन रहे, एंड ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन टीम, और हर कोई चाहता है कि वो किसी ना किसी टीम का पार्ट हो। तो ये भी एक असम्पशन करके चलते हैं कि हर बंदा किसी ना किसी टीम का पार्ट। अब नेक्स्ट आता है रोल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन ओडी प्रैक्टिशनर। सबसे पहले ओडी प्रैक्टिशनर कौन होता है, हमारा ओडी कंसल्टेंट, जो ओडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कंसल्टेंट का काम करता है, मतलब कि उनको समझाता है, उनके रिलेशंस को सॉल्व करने की हेल्प करता है और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश। प्राइमरी गोल ऑफ ओडी इज़ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, सो द प्रैक्टिशनर रोल इज़ टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम होता है सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप है उनको बनाए रखना, मेंटेन करके रखना। तो उसका रोल और कॉम्पिटेंसीज क्या होते हैं, सबसे पहले एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन डायनामिक, जो ओडी प्रैक्टिशनर है उसको एक्सपर्टाइज होना चाहिए ह्यूमन डायनामिक्स में, क्योंकि ये एक ह्यूमन गेम की तरह लेते हैं हम इसको। अगर कुछ भी हमें सॉल्व करना हो तो एज अ लीडर हम उसको अगर वो ट्रीट करेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि एज ही और शी हैज़ टू बी टेक पार्ट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ दिस, शी और ही नीड्स टू बी अ लीडर, उसको एक लीडर की तरह बिहेव करना होगा, इसलिए उसको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए ह्यूमनिक डायनामिक में। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। कोई भी अगर हमारा ओडी प्रैक्टिशनर है तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत अच्छा हो। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग टू पुट वन सेल्फ इन टू गुड प्लेसेस टू बी सर्विस टू आर क्लाइंट, मतलब कि वो दोनों की रिलेशनशिप को समझे और उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे। द सेल्फ एज इंस्ट्रूमेंट, खुद को एज अ इंस्ट्रूमेंट समझे जब भी कोई प्रॉब्लम उसे सॉल्व करनी हो। अगर वो ऐसे समझेगा कि मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम हुई होती तो मैं उसको कैसे ट्रीट करता, तो जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो ईजिली और जल्दी निकलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्शन रिसर्च मॉडल। एक्शन रिसर्च मॉडल क्या कहता है, इट इज़ मेथड टू फैसिलिटेट चेंज बाय हेल्पिंग इन्वॉल्व द क्लाइंट सिस्टम इन अ डायग्नोसिस, एक्टिव लर्निंग, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एक्शन रिसर्च मॉडल वो सारे काम करता है जिसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिव लर्निंग ला सकते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं और एक्चुअली उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ रोल्स होते हैं एक्शन रिसर्च मॉडल के, जिनकी हेल्प से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व बिजनेस चैलेंजेस। जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि वो चैलेंज तुम्हारे लिए चैलेंज की तरह ना लगे। नेक्स्ट, हेल्प अस एनालाइज इशू एंड डिज़ाइन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। एक्शन रिसर्च हमें ये हेल्प करती है ताकि हम इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें और डिज़ाइन कर सकें कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। फोस्टर अ कल्चर ऑफ लर्निंग। एक्शन रिसर्च मॉडल हमें हेल्प करता है ताकि हम पूरी जो उसकी लर्निंग है उसको इजीली डीप स्टडी कर सकें, अच्छे से उसको समझ सकें और ताकि उसका डीप स्टडी करके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट, रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर लीडर एंड अदर क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स। अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक्शन रिसर्च कहता है कि तुम सीनियर लीडर्स की और अदर क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स की हेल्प लो, जो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जानती हैं। अगर तुम उनकी हेल्प लोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, प्रमोट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कहता है कि दोनों पार्टीज अगर कंबाइंड हो जाए, जिनमें प्रॉब्लम है उनसे अगर तुम लोग बात करोगे और बात करने के बाद तुम्हें दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के बाद हमारे पास एक कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन निकल के आएगा जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हेल्प रीशेप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रीशेप करने का काम करता है। हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को सॉल्व करने का काम करता है। हेल्प अलाइन एक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को मीट कर सकें। हेल्प डेवलप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है। सीज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल सिस्टम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है रेदर देन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस करने के। नेक्स्ट टॉपिक इज ओडी इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ओडी इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, ओडी इज नाउ प्रैक्टिस्ड इन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड एज ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ जनरेटेड रैपिड ग्रोथ। जैसे जैसे रैपिड ग्रोथ मार्केट में आता जा रहा है, वर्ल्ड में आता जा रहा है, तो ग्लोबली ओडी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके कुछ डायमेंशंस हैं। अगर हम ओडी इन ग्लोबल कंटेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ डायमेंशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला होता है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस कहता है कि इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, उनमें ओडी कंसल्टेंट की नीड होती है, तो जो पावर पे लोग बैठे होते हैं कई बार क्या होता है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को भी ये लगता है कि हमारी पार्टिसिपेशन इस चीज़ में कम है। तो यहाँ पे ये पावर जो होती है वो हमारे लिए एक डायमेंशन बन जाती है। नेक्स्ट इज़ अनसर्टेन अवॉइडेंस। लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ग्लोबली प्रॉब्लम्स को। वो जल्दी से ये नहीं सोचते कि अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो बाई चांस हो सकता है कि हमारा किसी और कंट्री में या किसी और प्लेस में हमें शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअलिज्म, सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म आ जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि जब हम अपने लिए ही काम कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्यों सोचें। तो ये भी हमारे लिए एक डायमेंशन बन जाती है, ये हमें रोकती है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज ना ला पाए। अब नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन में क्या आता है? सबसे पहले आता है क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग में आता है जो लोग बाहर से आ रहे हैं, किसी और कल्चर के आ रहे हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। उससे क्या होगा, उनको भी डिफरेंस फील नहीं होगा और एडजस्ट होने में उनको हेल्प मिलेगी। दूसरा होता है ग्लोबल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबिलिटी टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना, ये आता है ग्लोबल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कि सारे ग्लोबल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम हो रहे हैं उन सबको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। उन सारे मॉडल्स को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आता है वर्चुअल टीम बिल्डिंग। वर्चुअल टीम बिल्डिंग क्या कहता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कि आजकल क्या होता है, हम किसी के पास फेस टू फेस तो जा नहीं सकते। मतलब बाहर अगर कोई रह रहा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो लिंक है तो हम उनसे वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वर्चुअली टीम बिल्डिंग हमारी कैसे स्ट्रांग हो सकती है, जब हम उनको प्रॉपरली समझें। और अगर वो हमारे इसमें ये कैसे हेल्प करता है, वर्चुअली मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट अदर इज सेइंग बाय रीडिंग द कंटेक्स्ट इन वेब। मतलब कि अगर जैसे हम वेब कॉलिंग कर रहे हैं, वेब चैट कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सपोज किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आजकल हेडलाइंस नीचे लिखी हुई आती हैं कि ताकि हम लोग समझ सकें कि वो किस लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज में तो बात कर रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ अपनी लैंग्वेज में समझ आ रही है। नेक्स्ट आता है क्रॉस कल्चरल टीम बिल्डिंग। क्रॉस कल्चरल टीम बिल्डिंग क्या कहता है, इसमें हम फेस टू फेस पीपल से कनेक्ट करते हैं जो अलग कल्चर के हैं। उससे हमें भी फ़ायदा होता है, हमें जानने का मौका मिलता है उनको, और उनको भी हमें जानने का मौका मिलता है। इससे इंटरचेंज ऑफ थिंकिंग माइंड सेट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का इसमें क्या रोल है? स्टोरी टेलिंग से हमें क्या पता चलता है, अ स्पेसिफिक स्टोरी ऑफ कल्चर विल टेल मोर अबाउट इट। अगर हम किसी को अपने कल्चर के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो हमारा भी उससे क्या होगा, हमें भी उनके बारे में पता चलेगा और उन्हें भी हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पे होगा, क्योंकि हम ईजिली एक दूसरे से फ्रेंडली नेचर में हो जाएंगे और ईजिली हम सारा काम भी करने लगेंगे। उसके बाद लास्ट आता है हमारा जॉब असेसमेंट। जॉब असेसमेंट क्या कहता है, यहाँ पे हम टेम्प्रेरी हेल्प लेते हैं किसी पर्सन की। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई बंदा बाहर गया, फॉरेन कंट्री में गया काम करने के लिए। अब वहाँ पे उसको उसकी वहाँ फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प्रेरी हेल्प लेंगे वहाँ के बंदे से जो उसका पूरा का पूरा हैंडलिंग चार्ज लेगा, जिसमें वो उसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे उसको लेके जाना है, कहाँ उसकी मीटिंग होंगी, उनके खाने पीने का, रहने का अरेंजमेंट, सब कुछ वो करेगा। तो ये जॉब असाइनमेंट में एक स्पेशल टेम्प्रेरी हेल्प लेते हैं हम पर्सन की। लास्ट टॉपिक है इसमें फ्यूचर ट्रेंड इन ओडी। अब फ्यूचर में हमारा ओडी का क्या ट्रेंड है? हमारा ओडी का अभी भी बहुत ट्रेंड है, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड इन ओडी क्या कहता है, इकोनॉमी में इसका कैसे ट्रेंड है, मोर कंसर्न विद कल्चर डाइवर्सिटी। अब हम लोग कल्चर डाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कंसर्न करने लगे हैं। मोर कंसर्न विद वेल्थ, हमारे लिए वेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मोर कंसर्न विद इकोलॉजिकली, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करते थे, इकोलॉजिकली हम लोग काम नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम लोग ये सोचते हैं कि जितना हम इको फ्रेंडली हो सके उतना होने की कोशिश करते हैं, और फ्यूचर में भी हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। टेक्नोलॉजी में ओडी का क्या ट्रेंड है? मोर ई कॉमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ई कॉमर्स में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। फास्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हो गया है। हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से ग्रोथ करे और जल्दी से उसकी नॉलेज और स्किल बढ़े। मोर प्रोडक्टिविटी हर कोई चाहता है, तो वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है? मोर नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनते जा रहे हैं लोगों के, और अगर ओडी हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा तो और ज़्यादा नेटवर्क बनेंगे। मोर नॉलेज एंड लर्निंग, नॉलेज और लर्निंग बढ़ेगी। वर्कफोर्स में क्या होगा? इंक्रीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। लोग बाहर बाहर से काम करने आएंगे, अलग अलग कल्चर के लोग हर जगह अपनी वो दिखाएंगे, स्पेशलाइजेशन दिखाएंगे। इंक्रीज एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मोर वुमेन इन सीनियर मैनेजमेंट में वुमेन्स का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत अच्छी बात है ये। थिंक ग्लोबली, लोगों की सोच चेंज होगी। शेयर्ड विज़न, पहले अपना विज़न कोई शेयर नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम में हर कोई अपना विज़न शेयर करता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक एंड इट इज़ कम्प्लीट यूनिट सेकेंड। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।